अभी मत उठना। तो हम आ गए हैं वापस डैम के इस साइड बोट राइडिंग से, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट घर, क्योंकि हस्बैंड आ रहे हैं लेने, हाथ पकड़। और आगे है पुल, जंगल के रास्तों में ऐसे पुल, और ये लगी हुई है यहाँ पर खजूर है। वाओ, झरना भी है छोटू सा। तो मैं चली हूँ डैम, गाय को छोड़ने में रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है ऊना, हमारी है मीटिंग और मुझे और भी काम है अपना पर्सनल, उसके लिए भी जा रही हूँ। तो चलते हैं, घर का काम जो है सुबह सुबह का वो है जो है कंप्लीट हो गया है, अब रह गई को डैम छोड़ने का काम। तो अभी टाइम हुआ है 9:30 और मेरी बस जाएगी 10:30, तो इसलिए मैं जो है तैयार हो गई जा रही हूँ डैम, क्योंकि मैं इसको जो है बांध के आ जाऊँगी। फिर आज जो है मैं इसको पानी नहीं पिला पाऊँगी दिन को, तो जो डैम में भैया है मैं उनको बोल दूँगी। कल भी जो है मैं नहीं पिला पाई थी, तो कल जो है भैया ने पिला दिया था इसको पानी, और साइड में बांधा हुआ था, तो बाद में हस्बैंड देखने गए थे तब तक जो है भैया ने इसको पानी पिला दिया था। तो चलिए अब मैं चल पड़ती हूँ डैम और आपके साथ करती हूँ खेतों का व्यू शेयर। देखिए फ्रेंड्स, मक्की हमारे गाँव के खेतों की, और इधर है गैया और नीचे है लोगों की भैंसें। तो मैं गाय को छोड़ के आ गई हूँ, मैं वीडियो बनानी थी बट मैम का फ़ोन आ गया था तो नहीं बना पाई, और अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर में होना है रेडी और फिर जाना है। आजकल दौड़ 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 का काम ज़्यादा है मुझे, घूमते हुए भी इतने 3-4 दिन हो गए, पर कभी कभी मन करता है कि कहीं नहीं जाना यार, आराम से घर में बैठो, बट क्या करें, जाना पड़ता है। तो सुबह का काम जो मेरा घर का था वो कंप्लीट हो गया है, घास जो है मैं आज नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि घास जो है मैंने शाम को ही काट दी थी, क्योंकि आज बच्चों ने भी जाना था स्कूल और उनकी जो है चोटियाँ भी बनानी होती है, तो चोटियों में भी टाइम लगता है बनाने को, वो खुद से नहीं बनाती अभी, तो इस वजह से जो है मैं घास नहीं ला पाई। कल का जो है मुझे आइडिया नहीं था कि कल मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह ही लेके आ गई थी, बट आज का मुझे पहले से पता था कि मैंने जाना है, तो मैं घास जो है वो कल शाम को ही ले आई थी। और जो घर में गाय है उनको मैंने अंदर बांध दिया है, घास डाल दी है, और इसको भी जो है डैम में बांध दिया है, आधी छाया है आधी धूप है जहाँ पर मैंने उसे बांधा है, अब देखूँगी उसे दोपहर को आके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे सीधा घर में, क्योंकि मेरी बस ना निकल जाए, टाइम भी हो गया है 10:05 हो गया, 20 मिनट बचे, 25 पे बस आ जाती है, पता नहीं मैं कैसे पहुँचूँगी, चलिए देखते हैं। तो फाइनली मैं चल पड़ी हूँ, आज मैंने पर्स लिया, मैं पर्स वैसे लेती नहीं हूँ, तो आज मैंने टाइम हो गया है 11:00 पे मैं घर पहुँची थी, 5 पे मैं डैम में थी, और 11:12 पे मैं घर पहुँची थी। उसके बाद मैं रेडी हुई फटाफट से, सिर में कंघी की, आधी हुई आधी नहीं हुई, बट मुझे पता है कि कैसी हुई है, चलो जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। तो अभी जो है बस आने वाली है, 25 पे आएगी, तो 27 मिनट है मेरे पास यहाँ से ऊपर मार्केट तक जाने के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं। yes. बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और मैं ना बस स्टैंड से पीछे ही उतर गई थी ओल्ड बस स्टैंड पे, मैंने सोचा शायद यहाँ से जाना हो, फिर मैं न्यू बस स्टैंड अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बताते हैं आपको अपना ऊना
हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट कैसा है। तो ये देखिए हमारे किसान दूध, यहाँ पर जो है आपको हर मोड़ पे हर चौराहे पे जो है गोलगप्पे वाला कुलचे वाला मिल ही जाएगा। यहाँ पर चार पांच पीछे है और एक आगे है। तो अगर आते आते अगर भूख लगी हो तो आपको जो है भूखा नहीं रहना पड़ता है, खाने के लिए कुलचा मिल सकता है आपको। तो चलिए चलती हूँ, अब मैं पहुँच गई हूँ न्यू बस स्टैंड। तो ये है बस स्टैंड और मुझे यहाँ से लेनी है ऑटो। पहले मैं ऑटो वाले को पूछ लेती हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे बना है हमारा ऊना का जो बस स्टैंड है। तो मैंने ऑटो दे दी है और अब मैं जा रही हूँ ऑटो में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें तरह निकलती गर्मी से। मैं पहुंच गई हूँ फाइनली घर और सर बहुत दुख रहा है आज जो है गर्मी से। मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो नहीं हुआ, बट मैं लेके आई हूँ देसी गाय और अब मेरे पास हो गई ये दो देसी गाय। ये पहचान रही थी एक दूसरे को, अभी मैंने इसको घास डाला है तो ये घास खा रही है। सच में सर फट गया आज गर्मी से, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा। ये डर रही है बेटा अभी आपसे। तो गाय जो है वो अभी डर रही है और बच्चे बोल रहे हैं कि आप मारने वाली लेके आए। और ये देखिए गौरी को जो है एक्सपीरियंस है गायों के साथ डील करने का, ये देखो। और ये जो है ये डरपोक है, ये देख लो कैसे डर रही है। तो गौरी अच्छे से डील कर रही है, इसको घास दे रही है। मैं भी कर सकती हूँ डील इतनी। तो चलिए अब मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं जाऊंगी डैम, क्योंकि डैम में भी है गैया। भैया को मैंने फोन किया था तो उन्होंने पानी पिला दिया है। 4:30 हो गए, 4:27 हो गई है। अच्छा हाँ चल ठीक है खिला। तो ये देखिए ये भी जो है दोस्ती कर रही है गाय से, केला खिला रही है। तो ये देसी है बट इसके सींग निकाल दी है। तो मुझे ये बात जो है बुरी लगी कि सींग अगर इसको होते तो काफी ज्यादा अच्छी रहनी थी। ताकि अगर बच्चे बेचारे प्यार करने लगे तो सींग को कर दे। नहीं ये करती है कुछ भी नहीं सींग को, क्योंकि गायों का एक अस्तर जो है अपना वो सींग ही होते हैं। ये देख उसके भी सींग नहीं है, इसके भी नहीं है। जो इनके बच्चे होंगे चाहे कोई भी हो तो उनके जो है मैं सींग नहीं निकालूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में डैम में। हमारी नई गाय टाइटल। मैं डैम से गाय ले आई हूँ और पीछे जो है वो शूटिंग हो रही है नीचे। ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं लोग वो कर रहे हैं वहाँ पे शूटिंग। भोलेनाथ के गाने भी हो रही है शायद। और शक्ल की जो है ना आज 12 बज गए है और डैम का व्यू जो है वो बहुत सुंदर आ रहा है अभी तो। ये देखिए हम आए हैं अभी डैम और और आज मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को किसी से। और मैंने जो कल गाय लेके आई थी ना थार पारकर, उसका क्या हुआ कि जहाँ पे उससे दूध निकालते थे तो बेचारा वो मतलब डंडे मार के ही लेते थे उससे दूध। बट मतलब यार हमने जैसे कभी गाय रखी है तो नहीं मारा है कभी, और वो मतलब वैसे टच भी नहीं दे रही थी करने। तो मैं उसे सुबह जो है छोड़ के आई, शाम को लेके आई और सुबह छोड़ के आई। तो मैं अपनी किसी फ्रेंड से लेके आई थी तो बुरी हालत हो गई। रात को जो है मैं 12 बजे सोई हूँ, 12:30 बजे उससे 12:30 बजे तक जो है दूध निकालने की कोशिश की और सुबह भी जो है 2-3 घंटे उसके पीछे ऐसे वेस्ट हुए। ज़्यादा पानी मत जाना। और ये देखिए पानी कहाँ आ गया है। और हम पैदल जा सकते हैं पर मेरे शूज़ है तो मैं मतलब गीले हो जाएंगे। तो ये है हमारी भांजी, हमारी जो ननद है उनकी लड़की है। तो ये आए हैं रक्षाबंधन के लिए और
और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरी भांजी। हेलो गाइस, और यूट्यूब पे मामी वीडियो डालेंगे। आंखों में ना पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खारिश हो रही है, मतलब वो जैसे खोल रही हूँ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक बार जो है ना आपको डैम का जो है बैक कैमरे से मैं व्यू बता देती हूँ, बहुत सुंदर आ रहा है। सुबह सुबह जो है बारिश लग पड़ी थी, 4 बजे जब मैं उठी थी तो 4, 4:30, 5 बजे के बाद जो है बारिश लग पड़ी थी। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जो है घूम लेते हैं, क्योंकि इसने घूमना था और हम मंदिर आए थे। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं गाय को छोड़ने गई हुई, तो मैं भजन कीर्तन कुछ भी जो है वो नहीं कर पाई शूट। तो चलिए ये देखिए डैम, और ये कचरा ना बहुत ज़्यादा आता है आजकल तो, सच में बहुत ज़्यादा। फिर किनारे किनारे पे ना कचरा ही कचरा हो जाता है, और वो जो है टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए। और आज के दिन तो जो है ना मेला लगा होता है डैम में वीरवार के दिन, तो ये देख सकते हो आप। अभी तक तो जो है रश काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, अभी 3-4 बसेज है वो भी चली गई है, गाड़ियाँ थी इतनी सारी वो भी। और ये देखिए वो टेंपल जो है कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए ये है गरीबनाथ गरीबदास मंदिर रायपुर। यहाँ पर जो है जो 7 युवक डूबे थे यहाँ पर इस मंदिर के इस साइड को, जैसे जो मंदिर है ये मंदिर है और इस साइड को वो डूबे थे बेचारे, कहाँ उनकी मौत लेके आई उनको। तो चलिए अब हम भी जो है घर चल पड़ते हैं, चल पड़े और हम भी चल पड़ते हैं, क्योंकि 2:30 बज गए हैं। और आज मैंने गैया डैम में नहीं छोड़ी क्योंकि बारिश थी सुबह सुबह, तो मुझे घास जो है वो एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, क्योंकि वो ना घास ऐसी खाती है ऊपर ऊपर से। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी जो है मैं इसी क्लिप के साथ कर देती हूँ एंड, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़।